पीपल के झाड़ के नीचे उन्होंने पूरा समय निकाला इस मंडी के अंदर। अब जाके कहीं मुझे दुकान मिली है और दुकान ली है मैंने। उनका सोचना था सर अच्छा खाना अच्छा खिलाना, उनके शुरू से एक ही प्रक्रिया थी। उन्होंने लाइफ में जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी उन्होंने, आज दिन तक वही ग्राहक चल रहे हैं। उनके बच्चों के बच्चे आ रहे हैं मेरे पास में और मैं सेवा दे रहा हूँ। बिल्कुल इंदौरी कांजी वड़ा है, ये अलग ही है। गर्मी के दिनों में अलग ही ठंडा पानी तरावट का काम कर रहा है। बिल्कुल हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और दोस्तों आज आपको एक और ऐसा टीका बताएंगे जिसको कि कोई नाम की जरूरत नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम से ही चलता है। तो उपाध्याय जी हैं जो कि 55 साल पहले जो राजवाड़ा की फ्रूट मंडी है वहाँ पे ये ना पानी बतासे देते थे, और 55 साल से देते थे, और अभी 4-5 साल से ही उनके बेटे हैं राधे भैया करके, वो इस काम को संभाल रहे हैं। और मतलब डेली की उनकी 400-500 ग्राहकी जो है वो फिक्स है बिल्कुल। और एक खास बात यह है कि दोस्तों इनके यहाँ 9:30 बजे सुबह के 9:30 बजे से पानी पतासे मिलना चालू हो जाते हैं, जो कि इंदौर में मेरे ख्याल से अपन ने कहीं नहीं सुने होंगे। और एक स्पेशल चीज और है कि ये उसके साथ में देते हैं दही बड़े। तो मतलब इनके दही बड़े भी दोस्तों इतने अल्टीमेट है, इतने बढ़िया, आपको एकदम मखमली जैसे दही बड़े मिलेंगे। तो इनकी पानी पूरी और दही बड़े टेस्ट जरूर करिएगा, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। साथियों अभी तक आपने अगर इनकी पानी पूरी टेस्ट नहीं करी तो प्लीज एक बार जरूर विजिट करें। मेरा नाम राधेश्याम उपाध्याय है, 60 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ नंदलालपुरा सब्जी मंडी फ्रूट मार्केट में। हमारे पिताजी के समय से हमारा काम काज चल रहा है। स्टार्टिंग उन्होंने 11 रुपए का धंधा किया था, व्यापार करा था, बहुत खुश हुए थे। आज उस व्यापार को यहाँ तक लाने में उनका सहयोग मिला मुझे, बहुत उनकी सराहना, जितनी करो उतनी कम है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये व्यापार करने में, बड़ी खुशी मिलती है मुझे, अच्छा लगता है मुझे। और आगे और जितना हो सके उतने में मेहनत करके और सफल करूंगा इस व्यापार को। उनका सोचना था सर अच्छा खाना अच्छा खिलाना, उनके शुरू से एक ही प्रक्रिया थी। उन्होंने लाइफ में जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी उन्होंने, पीपल के झाड़ के नीचे उन्होंने पूरा समय निकाला इस मंडी के अंदर। अब जाके कहीं मुझे दुकान मिली है और दुकान ली है मैंने। सर ये पानी पूरा नेचुरल है, पूरा नेचुरल है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है। आजकल जैसे क्या है पाउच वगैरह से लोग बाग पानी बना देते हैं, हाँ हाँ, ये पूरा नेचुरल पानी है, पूरा मतलब धनिया पुदीना कोई एसेंस नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, वो खुशबू ही यहाँ तक आ रही है इसकी। सौंठ की चटनी, ये अमचूर और सौंठ की चटनी, गुड़ अमचूर सौंठ, ये भी गाढ़ा दही है बिल्कुल। और ये साथियों में मतलब 3 से 4 घंटे ये मतलब लटका हुआ रहता है, इसका पूरा पानी निकाल देते हैं, पूरा पानी बाहर हो जाता है, एकदम लस्सी जैसा हो गया। ये है दही बड़े, ये पानी में डूबे। ये देखिए साथियों अभी दुकान भी नहीं लगी है और देखिए कितनी भीड़ आ चुकी है इधर, बस ये स्टार्टिंग टाइम है। अच्छा, 5 बजे तक का समय रहता है अपना। पतासे देखिए कितने बढ़िया, बिल्कुल फूले हुए हैं दोस्तों। ये इसका एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ये देखिए वीर सावरकर मार्केट है, ये पीछे वीर सावरकर मार्केट में, ये देखिए पीछे दत्त मंदिर आपको दिख जाएगा, ये दत्त मंदिर है, उसकी ये बीच वाली गली में ये राधे भैया का स्टॉल आपको दिख जाएगा। और इनका टाइमिंग है 9:30 से लेके आपको रात में 9:30-10 बजे तक आपको मिल जाएंगे। और कम से कम 50-55 साल पुरानी दुकान है, तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। 5 दिन तक वही ग्राहक चल रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे आ रहे हैं मेरे पास में और मैं सेवा दे रहा हूँ। मेरा सर सुबह 4:30 बजे से रनिंग चालू हो जाता है, मुझे करते 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 9 बज जाती है, 9:30 बजे मेरी शॉप यहाँ पे लग जाती है। इसमें धनिया मिर्ची पुदीना अदरक जीरा जीरावन हींग, एक नेचुरल खाओ मन पहले। खट्टा मीठा
सर कैसा लगा सर टेस्ट? सर बहुत बढ़िया बढ़िया सर, रेगुलर कस्टमर है। रेगुलर क्या बात है, खट्टा मीठा। ये दही चटनी, दही चटनी वाली वाले। ये कैसे पकड़ी? पकड़ी वड़े में अपने मूंग और उड़द की दाल के बनते हैं, सोट अमचूर की चटनी बनती है गुड़ की, और दही वगैरह ये सब तैयार करने में मुझे 9 बज जाती है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाने की सोचते हैं और ग्राहकों की शिकायतों का ध्यान रखते हैं, उसको मद्देनज़र नहीं करते हैं। कभी कोई ग्राहक बोलता है पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ग्राहक खुश होकर जाए मेरा उद्देश्य ये है। पैसा सभी कमाते हैं पर मेरा उद्देश्य ये है कि ग्राहक मेरे से खुश होकर जाए, निराश होकर नहीं जाए, और हमेशा ये सेवा देता रहूँगा मैं। मेरा समय सर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का। अब हालांकि मैं थोड़ा दुकान लिया है तो टाइमिंग बढ़ाने का चल रहा है, ऐसे मेरे पर्सनली ग्राहक ही मेरे 400-500 ग्राहक है रोज के, उनका कहना है संडे भी चालू करो। मैं संडे क्लोज रखता हूँ मगर अब संडे भी ओपन करने वाला हूँ। संडे बंद रहता है अभी, अब संडे ओपन कर दूंगा सर। अरुण भाई आओ, सर बताइए टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, शानदार टेस्ट है, एक नंबर, एक नंबर टेस्ट है। थोड़ी नहीं है यहाँ से वहाँ तक, थोड़ी पूरी इधर मंडी में कहीं से यहाँ से यहाँ तक। बहुत बढ़िया। फोटो कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बिना मसाले के बच्चे रहते हैं सर, कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि मतलब आज 10-20 रुपए जो भी मांग के लाया उसकी ख्वाहिश अपन पूरी करते हैं। सही बात है, ज़रूरी नहीं है कि 40 रुपए प्लेट दही बड़ा है तो उसको 40 में ही बेचा जाए, 15-20 जो भी आ जाए बच्चे के साथ खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। जनता का यही कहना है कि पानी पताशे सभी दूर मिलते हैं मगर पानी का जो टेस्ट है वो राधे भैया के यही मज़ा आता है उनको, उनका जनता का ये कहना है, ग्राहकों का ये कहना है। बहुत से लोग सर सेव लेके आते हैं, उनको सेव का टेस्ट, सेव के अंदर आलू वगैरह मिला के। अच्छा, मतलब अपनी सेव खुद ही लेके आते हैं? हाँ। अपन नहीं रखते सेव, अपन नहीं रखते। बहुत बढ़िया, मतलब सेव के इतने दीवाने हैं लोग इधर। हाँ, इंदौर में हर चीज में उनको सेव चाहिए। खाना खा रहे हैं तो सेव चाहिए, बोल खा रहे हैं तो सेव चाहिए, पलाजे खा रहे हैं तो सेव चाहिए। बढ़िया। ये देखिए साथियों, सेव वाले आ गए, सेव वाले। अरे क्या बात, सेव की दीवानगी बिल्कुल अलग ही चरम सीमा पर है इंदौर में। दिन भर चलता है, दिन भर। साथियों ये देखिए, बगल में ही काका की दुकान है, सेव लेते हैं यहाँ से, और ये इधर भैया के पास, राधे भैया के पास, बढ़िया पानी पूरी में आलू में डलवाते हैं सेव। सर आज सर चालू तो बहुत कम में हुआ था, 1 रुपए के 10 पतासे 20 पतासे ऐसे चलते थे, अब आज की तारीख में चल रहा है 15 रुपए के 5 पीस चल रहा है सर। टेस्ट बताइए सेव के साथ। एक नंबर। अच्छा, सेव मतलब हर बार लेके ही आते हो आप? जी। बहुत बढ़िया। 15 रुपए प्लेट चल रहा है, दही बड़ा 40 रुपए प्लेट चल रहा है। ये क्या करें? ये सर सादे ही चलता है सर। अच्छा, ये वड़े को निचोड़ के अपने पानी पूरी के पानी में, उसके पानी में वो वड़ों का टेस्ट आ जाता पानी का। अरे क्या बात है, फिर उसको कैसे देते? बस उसके ऊपर जीरा वगैरह लगा के। अरे ये अपन ने कर दिया।
क्या बात है, ये मतलब नमकीन वड़े हो गए। ये नमकीन वड़े बहुत बढ़िया, अलग ही टेस्ट आता होगा इनका। बहुत चलता सर दिन भर। अच्छा दिन भर, वही क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो ये अलग ही तरावट देते होंगे। ये दिल्ली में चलता कांजी वड़ा। कांजी वड़ा, कांजी वड़ा। हाँ बस फर्क इतना ही है कि बस उसका थोड़ा पानी पतला रहता है, सरसों वगैरह का उसका बनता है, और वो थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, मीठा नहीं रहता। अच्छा अच्छा, खटास रहती है वो, सरसों की खटास आती है राई की। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको तीन दिन पानी को सड़ाना पड़ता है उसको धूप के अंदर। अच्छा अच्छा, उसका पानी बनता है। ये अपना इंदौरी कांजी वड़ा समझ लो, इंदौरी कांजी वड़ा है। ये देखिए मस्त, बिल्कुल इसको कह लीजिए ये बिल्कुल इंदौरी कांजी वड़ा है, ये अलग ही है। मस्त साथियों, ये यूनिक है। दही बड़े को 3-4 घंटे पानी में डिप करके रखते हैं और बेहतरीन टेस्ट है। एक बार आए तो जरूर टेस्ट करें, इसे अल्टीमेट टेस्ट है। तृप्त हो गई जाती है सर, किसी को कोई शिकायत नहीं। किसी ने आज तक मुझे ये भी नहीं बोला कि आपके यहाँ मज़ा नहीं आया ये वो। हर इंसान सोचता है कि बोले ज़्यादा नहीं खाना, 5 पता से खाना, मगर राधे भैया के यहाँ खाना। सर कैसा टेस्ट लगा सर? बहुत शानदार टेस्ट, बेहतरीन। मतलब आप तो रेगुलर कस्टमर ही लग रहे हैं। हाँ भैया, डेली के? डेली के। क्या बात, तीखा खाना है तो आइए, अलग ही है। मैं ये इतने फेमस है कि मैं बचपन से यहाँ पे इनके पापा लगाते थे, इनके पापा के बाद ये लगाते, और इनका पानी और पतासा इतना क्लासिक है ना कि आपको ऐसा पानी पतासा कहीं नहीं मिलेगा। इंदौर के सरी का पानी पतासा कहीं नहीं मिलेगा। अलग ही टेस्ट है इनका, जो टेस्ट है ना पानी का वो अलग ही टेस्ट है। बहुत बढ़िया, थोड़ा पानी और डालना। गर्मी में भी बिल्कुल टेस्टी, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब पूछो मत आप, दूसरे लोग दही इतना रखते हैं। हाँ। क्वांटिटी देखो भाई, अरे ये तो एकदम भंडार है, ये दही नहीं है, ये तो श्रीखंड कह लो। श्रीखंड कह लो, बहुत तगड़ा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर कैसा लगा सर दही बड़े का टेस्ट? सर एकदम बेहतरीन, बेहतरीन। रेगुलर आते हैं हम तो, क्या बात है, रेगुलर है, मतलब दही बड़े के शौकीन है, क्या बात। मैं तो जैन हूँ जी, बाकी आइटम तो नहीं खाता, बाकी दही बड़े, दही पूरी, क्या बात इनके वहाँ की, एकदम मेरे लिए तो हाथ धो के बनाते हैं पूरी, अल्टीमेट है। मतलब मिर्ची मीडियम रखना है ना, अरे मिर्ची का तो एहसास ही नहीं होगा यार। नहीं मिर्ची रखो, लगाओ यार मेरे लिए तो। एक नंबर दही बड़ा, रेगुलर खाते, पुराने पुराने हैं सब, आपके पुराने ग्राहक हैं। नाम फेमस है भैया का, नाम क्या फेमस नाम है, क्योंकि काम अच्छा है, माल भी ऐसा लाते। सही बात, दोस्तों ये देखिए बढ़िया सा बिल्कुल राधे भैया का पानी बतासा, 55 साल पुरानी छवि। गर्मी के दिनों में अलग ही ठंडा पानी, तरावट का काम कर रहा है बिल्कुल।
एक दही वाला भी दे दिए। बहुत ही बेहतरीन है साथियों, पानी एक नंबर है। मतलब 55 साल पुरानी जो छवि है उपाध्याय सर जो लगाते थे पहले, वही राधे भैया मेंटेन करके चल रहे हैं। और पानी में कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, आज भी वही टेस्ट लोगों को महसूस होता है। और इनका मतलब दही पापड़ी, दही बड़े इतने चलते हैं बढ़िया, वो काफ़ी है। काफ़ी कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, मैं तो यही खाते हो। यही खाते हो? काकी भी मतलब सब लोग दीवाने हैं। तो इनकी मीठी पानी पूरी आप ये देखिए, दही बतासे वाली, मतलब दही ये 4 घंटे लटका के रखते हैं और बिल्कुल एकदम गाढ़ा, बिल्कुल श्रीखंड जैसा दही है। क्वालिटी एक नंबर साथियों, प्लीज आप लोग आइएगा। अच्छा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। काकी का बचपन भी बिल्कुल यहीं खाते खाते निकला है। तो साथियों आप लोग भी आइएगा, ये दत्त मंदिर है, वीर सावरकर मार्केट है, उधर लगाते हैं उसके ठीक बीच वाली गली में। इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ एक बार आएँ, पानी बता से इधर चटपटे खा के जाएँ, दही बड़े खा के जाएँ और एक बार विज़िट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आमची इंदौर के अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ नया सजेस्ट करते रहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ आइए और है ना मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।